राजस्थान के जयपुर की बात करेंगे, जहां पर राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन आज भी जारी है। दूसरे दिन भी स्टैचू सर्किल पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस दौरान इस्तेमाल भी किया। आपको बता दें, एक दिन पहले भी डॉक्टर्स पर इस मामले में लाठीचार्ज हुआ। तस्वीरें देखें आप इस। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टरों का दूसरे दिन भी यहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज विधानसभा के पटल पर राइट टू हेल्थ बिल रखा जाना है। ऐसे में जब ये विधानसभा के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर इन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। यहाँ आप देख रहे हैं, ये पूरे राज्य भर से आए प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हैं। अब हाथों में ये इस तरह से बजाकर अपना विरोध सरकार के खिलाफ जता रहे हैं। मैं क्यों विरोध हो रहा है, ये कल भी आपने विरोध किया था, सख्ती नजर आई, कल भी कवर किया था, आज भी कवर कर रहे हो। सरकार कल भी सुन रही थी, आज भी नहीं सुन रही, कल भी नहीं सुन रही थी। राइट टू हेल्थ को हटाना है, मतलब हटाना है। नो टू राइट, नो टू आरटीएच की ये बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस की लगातार सुरक्षा बढ़ी हुई है, बैरिकेड्स लगा दिया गया है। विधानसभा की ओर जाने वाला ये रास्ता है, बैरिकेड्स, वाटर कैनन, तमाम चीजें आपको यहाँ पर नजर आएगी। और डॉक्टरों का यह प्रदर्शन भी यहाँ पर जारी है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि यह गतिरोध किस तरह से खत्म होता है, क्योंकि सरकार आज विधानसभा के पटल पर राइट टू हेल्थ बिल रखने वाली है। और डॉक्टरों ने तय कर लिया है, जब तक इसे पूरी तरह वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24।